जैसे कि हमारे पास दो टेक्स्ट है, जैसे कि सुजीत एंड कुमार, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के कई तरीके हैं। पुराना तरीका हम बताते हैं, जो एक कॉनकेटानेट फॉर्मूले के जरिए हम करते थे। कॉनकेटानेट, इसको सेलेक्ट किया और कॉमा, सॉरी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने अपना सेपरेटर दिया और फिर हमने यहाँ पे कुमार को सेलेक्ट कर लिया। या फिर एक यूनिवर्सल मेथड है एन परसेंट, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिवर्सल इसलिए कहा क्योंकि वीवीए वगैरह में भी चलता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी सेम चलता है। तो एन परसेंट, इसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी दो फॉर्मूले हैं जो न्यू फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट दिया और यहाँ पे मैंने अपना आज का डेट दिया। चलो मैं इसको सेम, दोनों को सेम फॉर्मेट में कर लेता हूँ। आपको फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट चेंज कर दिया, दोनों सेम फॉर्मेट में हो गया। अब मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है दोनों को। मुझे कुछ इस तरह से लिखना है कि फ्रॉम और ये स्पेस देके एन परसेंट या कोई भी जो मेथड है उसको इसका सेलेक्ट किया कॉमा, फिर हमने यहाँ पे स्पेस दिया टू एन स्पेस एन परसेंट, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है। हाँ, यहाँ हमने कॉमा दे दिया, बल्कि कॉमा नहीं, यहाँ एन परसेंट होना चाहिए। कॉमा में कॉन्केट में होता है। तो ये देखिए, इस तरह के आपके टेक्स्ट में आ गया। देखिए, हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में भी समझाया था। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट में अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया डी डी स्लैश एन एम एम स्लैश वाई वाई, जो भी फॉर्मेट आप यहाँ डालना चाहे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक टेक्स्ट में होता है क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग है, नंबर है और फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल पे काम करता है। और मैंने आपको पेस्ट स्पेशली क्लास में भी समझाई थी चीज़ें कि जो नंबर डेट दिखता है बट एक्चुअल में होता नंबर है। तो आपको जब कॉन्केट करेंगे डेट एंड टाइम को तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप डेट को टेक्स्ट फॉर्मूले में डाल के रखें, ऐसे डी डी एम एम, जो भी आप अपना फॉर्मेट देना चाहे, वाई वाई, चार बार वाई कर देता हूँ तो यहाँ। और यहाँ जो C36 है इसको भी हम टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में डालेंगे और यहाँ डालेंगे डी 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 स्लैश एन एन एम स्लैश वाई वाई। ठीक है गरिमा जी, गरिमा जी समझ में आया आपको ये? जी आगे क्लियर है। हाँ, इस तरह से आप टेक्स्ट में डालें। दूसरा, अगर आपको एक लिस्ट है और उस लिस्ट को आपको अगर कॉन्केट करता है तो उसके लिए 2016 तक कुछ ऐसा नहीं। जैसे ऐसे आपको बहुत सारे लिस्ट है, मुझे इसको ज्वाइन करना है कॉमा और किसी और चीज़ लगा के, तो 2016 तक ऐसा कुछ नहीं था। पर 2019 में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला है कॉन्केट, पहले है कॉन्केट फॉर्मूला जो कि एक लेंस को सिलेक्ट करे कॉन्केट कर देगा बट एक बीच में सेपरेटर नहीं डालता है। दूसरा हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला। टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला में आपको यहाँ देना होता है कि भाई आपको दो टेक्स्ट के बीच में, दो सेल वाले के बीच में आपको क्या सेपरेटर देना है, सेल वैल्यू को पहले आए उस केस में, उसके बाद क्या आपको ब्लैंक को इग्नोर करना है, हाँ ब्लैंक को इग्नोर करना है, और फिर अपना रेंज सेलेक्ट कर दीजिए तो आपको यहाँ से कॉमा कॉमा लगा के जो भी सेपरेटर आपने डाला है वो लगा के दे देगा। टेक्स्ट वेंडर फॉर्मूला था। कोई डाउट गरिमा जी? हाँ जी, यहाँ पे अगर मुझे कॉमा ना चाहिए और सिर्फ स्पेस चाहिए तो वैसे भी हो सकता है क्या? आप कॉमा के जगह पे यहाँ स्पेस दीजिए, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में आपने डाले थे सेपरेट, क्या था डेलिमिटर, इसके जगह कुछ भी डालिए ना। इन्वर्टेड कॉमा लग गया इट मींस आप कुछ भी डालने के लिए फ्रीडम है। ठीक है, चलिए।